हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बनाएंगे बेसन की सब्ज़ी, जो बहुत ही आसानी से बन जाएगी और दोस्तों खाने में भी वो बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी बेसन की सब्ज़ी को बनाना। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हमको चाहिए बेसन, 4 बड़े चम्मच बेसन ले लिए इतने बड़े स्पून से। अब फ्रेंड्स, इसमें हम पानी डालेंगे और इसका एक गाढ़ा घोल तैयार करेंगे। इस घोल को इतना ही गाढ़ा बनाना है, ना बहुत पतला रहे और ना बहुत ज़्यादा थिक रहे। बस इसको ऐसे अच्छे से फेंट लेना है। अब फ्रेंड्स, इसमें हम डालेंगे नमक। नमक फ्रेंड्स अपने स्वाद के अनुसार डालें। ये डाल दिया इसमें नमक। अब फ्रेंड्स, इसमें हम डालेंगे हल्दी। हल्दी बहुत थोड़ी सी जाएगी। लहसुन का पेस्ट, ये 1 बड़े चम्मच इसमें हम ऐड कर देंगे। लहसुन को भी इसमें हम मिक्स कर देंगे। अब फ्रेंड्स, हम एक थाली लेंगे और इस थाली में हम थोड़ा सा ऑयल डालकर इसको ग्रीस कर लेते हैं और इसको एक साइड में रखते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो हमने एक पैन ले लिया है, इंडक्शन को ऑन कर दिया। अब इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। अब फ्रेंड्स, ये तेल जब गर्म हो जाए तो हमें ये जो घोल हमने बनाया है इसको हम इसमें तेल में डाल देंगे। तेल में डालकर और इसको ऐसे लगातार चलाते रहेंगे। आंच को स्लो कर दें और इस घोल को हमें गाढ़ा होने तक ऐसे ही चलाना है। अब इसका पानी लगभग सूख चुका है और इसको हमें लगातार ऐसे चलाना है, और जब आपको लगे कि ये सूख गया है इस थाली में डाल देना है। और हाथों में पानी लगाकर और इसको हमें इसे बराबर कर देना है। इसको थाली में फैला लिया है। अब इसको हमें रख देना है, जब ये ठंडा हो जाए पूरी तरह से तब हम इसके पीसेस कट करेंगे। अब ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल ये अच्छे से जम गया है। अब हम इसके पीसेस सारे अलग कर देंगे और इसको अब हम शैलो फ्राई करेंगे। पैन हमारा गर्म हो गया है फ्रेंड्स। अब हम इसमें डालेंगे ये मस्टर्ड ऑयल। अब जब ये तेल गर्म हो जाए तो हम अपने पीसेस इसमें डाल देंगे। फ्रेंड्स, इसकी फ्लेम को स्लो करके और फिर इसको दोनों साइड लाल होने तक हमें इसको फ्राई करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, एक तरफ से ये लाल हो गया है और क्रिस्पी भी हो गया। अब हम इसको पलट देते हैं। सब ये दोनों ओर पक गया है। ये देखिए, दोनों साइड से बिल्कुल लाल हो गया है और ये बहुत ही क्रिस्पी है बना है। तो इसी तरीके से हम अपना बाकी के भी फ्राई कर देते हैं। अब हम ग्रेवी तैयार करते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल। ये 2 तेज़पत्ता लिया है, इसको तोल लिया है, इसको इसमें डाल देते हैं। 1 बड़ा चम्मच जीरा डाल देंगे। अब डालेंगे फ्रेंड्स इसमें हींग, 1/2 छोटी चम्मच हींग डाल देंगे।
एक बड़ा प्याज है उसका पेस्ट बना लिया है, उसको हम डाल देंगे इसमें। अब इसको हम ब्राउन होने तक भूनेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये प्याज हल्के हल्के ब्राउन कलर का हो गया है। इसमें हम ये हरी मिर्च डाल देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे फ्रेंड्स, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, एक बड़ा चम्मच इसमें हम डाल देंगे। और इसको अब इस प्याज के साथ हम भून लेंगे। अब ये हमारा अदरक और लहसुन का पेस्ट भी प्याज के साथ अच्छे से भुन गया है। अब फ्रेंड्स हम इसमें डालेंगे कुछ सूखे मसाले। फ्लेम को स्लो कर देते हैं और देखते हैं कि इसमें हमको क्या क्या सूखे मसाले चाहिए। तो उसके लिए फ्रेंड्स एक बाउल लेंगे, उसमें हम डालेंगे एक छोटा चम्मच हल्दी, एक छोटा चम्मच गरम मसाला, एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, एक बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। और इसमें हम ऐड करेंगे पानी और एक पेस्ट बना लेंगे। और इस पेस्ट को फ्रेंड्स हम इसमें मसालों में डाल देंगे और इसको भी अच्छे से भून लेंगे। अब ये हमारे मसाले अच्छे से भुन गए हैं और अब हम इसमें डालेंगे फ्रेंड्स पानी और इसको मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स ये जो घोल हमने बनाया था बेसन का, उसमें से ये मैंने थोड़ा सा बचा दिया था और इसको हम इसी ग्रेवी में ऐड करेंगे। इससे हमारी ग्रेवी गाढ़ी होगी। और अब हम इसमें थोड़ा और पानी ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें बॉयल आ गया है। अब फ्रेंड्स इसमें हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच अमचूर पाउडर और इसको मिक्स कर देंगे। और इसमें हम डालेंगे अपने स्वाद के अनुसार नमक और नमक को भी इसमें मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे अपने पीसेस जो हमने बनाए थे, इनको हम इसमें ऐड कर देंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब फ्रेंड्स इसमें हम हरा धनिया ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स आज की हमारी ये बेसन की सब्जी की रेसिपी कंप्लीट हो गई है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप प्लीज़ एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।